हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 5 लेकर। और आज हम लोग देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक को बनाते कैसे। अभी तक हम क्या क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड कीटोन बनाए थे, उसका केमिकल रिएक्शन देखे थे जिसमें दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन था, एल्डोल और कैनिजारो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा दोनों का। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक्स है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक बनाने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, बॉन्ड सी डबल ओएच, यही है कार्बोक्सिलिक। तो चलिए शुरू करते हैं और कार्बोक्सिलिक को कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बनाएंगे बायऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के द्वारा, बायऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण के द्वारा। लेकिन क्या सबका ऑक्सीडेशन करने से हो जाएगा, नहीं। फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक मिलेगा। हम ये पीछे भी बता रखे हैं कि जब 1 डिग्री अल्कोहल रहता है RCH2OH, ये अल्कोहल ग्रुप इस कार्बन से, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका हम एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर यहाँ पे दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा तो, ठीक है, ऑक्सीकारक अगर दुर्बल है तो ये सबसे पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, ये आपको बता रखे हैं। सबसे पहले किसे बदलेगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। फिर ये ऑक्सीकरण रुकेगा नहीं, ये फिर आगे बढ़ेगा, यानी कि फिर वो ऑक्सीजन को लेकर के कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा, सी डबल ओ एच। ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक। ये ऑलरेडी हम पीछे बता रखे हैं लेकिन फिर से रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम ऑलरेडी पीछे बता रखे हैं तो फिर से ये बताएं तो टाइम का जाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले देखे हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाते हैं। अगर आपको बोले सीधा यहां से यहां जाइए, एल्कोहल से आपको सीधा बोले कार्बोक्सिलिक में जाने, तो आप यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेगा, पर्पल ऑक्सीकारक रखना पड़ेगा अगर हमको एल्कोहल से डायरेक्ट जंप करना है कार्बोक्सिलिक में तो, ठीक है। अगर दुर्बल रहेगा तो पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। एल्डिहाइड वहां रुकेगा नहीं, फिर से वो कार्बोक्सिलिक में बदलेगा, लेकिन अगर दुर्बल रहेगा तो एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक। ये ऑलरेडी हम पीछे बता रखे थे लेकिन फिर से रिवीजन हो गया, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि और किससे बना सकते हैं। पहला बनाए हम लोग बाय ऑक्सीडेशन फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल कार्बोक्सिलिक बनाए। तो चलिए दो नंबर हम शुरू करते हैं, दूसरे अब हम कैसे बना सकते हैं, बाय नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, ये या इसको साइनाइड बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आइसोसाइनाइड भी लिखा रहेगा, आइसोसाइनाइड, तो उधर नहीं जाना है आपको। तो ये क्या है, बाय नाइट्राइल, कि बाय नाइट्राइल से हम लोग कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक, इसका मैकेनिज्म भी देखने वाले, ये नया चीज है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप को। तो शुरू करें, सबसे पहले एक नाइट्राइल को लिए, एक नाइट्राइल है, इसको जब जल अपघटन कराए, ठीक है, वाटर कराए, H2O से गुजारे, तो H2O के पास पता है क्या है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन को देता है, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देता है, यानी कि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है और इसका दो बॉन्ड ब्रेक होता है, दो बॉन्ड है, वाटर का ब्रेक हुआ, दो बॉन्ड नाइट्रोजन का ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा, RC, देखो इसका दो बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ऑलरेडी, तो बचेगा क्या, एक बॉन्ड, दो हाइड्रोजन का हुआ तो हाइड्रोजन किसके साथ चला आएगा, ये पूरा जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, NH2 आ गया, ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला जाएगा, दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन ये कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये पता चला। थोड़ा अच्छे से देखो इसको, क्या हुआ कि यहां पे वाटर आया, वाटर क्या आया, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड को तोड़ दिया, कैसे, ये दोनों हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन ले लिया। अब यहां से ये क्या बना, ये नाइट्राइल था,
नाइट्राइल था, नाइट्राइल से क्या बना? अमाइल। अब ये अमाइल फिर से वाटर से अभिक्रिया कर लेता है H2O से, H2O। अब पता है वाटर में क्या है? H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। इस अमाइल को मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, OH इधर आता है और H इसके साथ जाता है। ऐसा लिख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को, और बीच से ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा? R C डबल O OH। इधर क्या बनेगा? NH3। ये आपका क्या है? अमोनिया। ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक। पता चला कार्बोक्सिलिक कैसे बना? सबसे पहले नाइट्राइल, जब उसका जल अपघटन हुआ तो किसे बदला? अमाइड में। ये क्या है? अमाइड। अब फिर से इसका जल अपघटन हो गया तो कार्बोक्सिलिक में, लेकिन निकला क्या? गैस के रूप में क्या निकल रहा है? अमोनिया बाहर, अमोनिया गैस गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। नाइट्राइल से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, ठीक है, उसका जल अपघटन करके। पहले जल अपघटन करते हैं तो किसे बदलता है? अमाइड में। फिर किसे बदलता है? कार्बोक्सिलिक में। चलिए अब जल्दी से इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। आप इसको उतारना चाहिए तो उतार लीजिए। चलिए ये रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ, हम बताते हैं इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक में कैसे बदला। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या है? एक नाइट्राइल लेते हैं, आर एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, कार्बन के जगह लगते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पता है कितना होता है संयोजकता? तीन बॉन्ड बना सकता है और पांच बॉन्ड बना सकता है। तो तीन बना रखा तो इसके पास अभी दो लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर बचा रहेगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। और यहां पे क्या है, इसको एक एल्कोहलिक मीडियम में कर रहे हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, यानी एच प्लस दे रहे हैं। वाटर में एच प्लस ओएच माइनस दोनों होता है, तो एच प्लस के रूप में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्या होता है? एच प्लस अपने से देते रहता है। तो ये एच प्लस क्या करेगा? इस नाइट्रोजन को मजबूर करेगा जोड़ने के लिए। ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने साथ रख लेगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां पे से हाइड्रोजन को जोड़ लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो क्या होगा? यहां पर प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा तो ये क्या करेगा? एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पे, इस नाइट्रोजन को प्लस हटाने के लिए। अब ये एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तीन बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, यानी कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे दे देगा। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड NH कितना बना? अब इस पर से हट गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर देगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा तो इसमें क्या है? वाटर है, तो वाटर क्या करेगा? इस कार्बन को हेल्प करने आ जाएगा, क्योंकि जल प्रेजेंस ऑफ वाटर कर रहे हैं, अमाइड का क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं, नाइट्राइल का जल अपघटन कर रहे हैं, तो इसमें पानी बहुत सारा मात्रा में। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस आएगा, यहाँ पे क्या है? वाटर, पानी के पास क्या है? इसके पास तो दो लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन की हेल्प करने चला जाएगा। अब ये जब आगे जाएगा तो क्या बना देगा? CH3 C। अब इससे ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन भी इधर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी इधर जुड़ा हुआ है। हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी तीन बॉन्ड नहीं बनाता, दो ही बनाता। तीन बना रहे तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो एक प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड था यहां से नाइट्रोजन, अब यहां से एच प्लस आया तो दे रहा है, एसिड के रूप में उपस्थित है, यहां पे एच प्लस है। अब ये एच प्लस क्या करेगा? ये एच प्लस अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर नाइट्रोजन कहेगा फिर से लेंगे हम एच प्लस को। आगे समझो क्या हो रहा है, यानी कि ये एच प्लस फिर से इस पर अटैक किया। अब करेगा तो एक बार ध्यान दो, पहले यहां पर भी ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, देखो इसमें समझाने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। अगर दो काम एक साथ हो रहा है तो दोनों पे फोकस करिएगा, अगर साइड साइड करिएगा तो समझ में आएगा। इधर से देखो ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लेते ही जा रहा है, अपने बॉन्ड को खत्म करते जा रहा है, क्योंकि ये प्रिय होता है हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है,
ये हाइड्रोजन को लेना चाहेगा, तो ये हाइड्रोजन को लेते जाएगा और इधर से हेल्प कौन करते जाएगा, वाटर कर रहा है, वाटर मिल रहा है। तो यहां पे प्लस जब आ गया तो ये एक चीज समझो, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और निकल क्या जाएगा एच प्लस के रूप, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया एच प्लस के रूप में आ गया। अब यही एच प्लस जो है वो फिर से नाइट्रोजन पे जाकर अटैक कर दिया, यानी कि ये एच प्लस जो निकला यही जाके नाइट्रोजन पर अटैक कर दिया। तो देखो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा। यहां पर से तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल के चला गया तो यहां पे तो OH आ गया, OH आ गया, इसके पास फिर से लोन पेयर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा स्थिर होकर समझो, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये हाइड्रोजन निकला हुआ किस रूप में, एच प्लस के रूप में निकला, तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा ऑक्सीजन को, दिया होगा तो ये फ्री हो गया। अब ये जैसे गया नाइट्रोजन पे अटैक किया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को लिया तो NH2 हो गया, अब नाइट्रोजन के साथ बनाएगा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पर प्लस आ जाएगा, जैसे ही प्लस आए फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड फिर क्या होगा, इस नाइट्रोजन को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर से दो इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर से कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं। अब कार्बन को कौन हेल्प कर रहा है, पानी, क्योंकि इधर भी पानी बहुत ज्यादा है। तो अब फिर क्या होगा, आगे देखिएगा क्या होगा, CH3C यहां कार्बन पे आया प्लस, एक साथ दो काम कर रहे हैं, कार्बन पे प्लस आएगा बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो अब फिर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन को हेल्प करेगा, अब ऑक्सीजन पे जैसे प्लस आएगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकल जाएगा H प्लस के रूप में। तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड से जुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे प्लस आएगा अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ दिया तो क्या होगा, एक बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड NH2, अब फिर से इस पर आ गया लोन पेयर, अब फिर से लोन पेयर आ गया, अब ये हाइड्रोजन क्या हुआ निकला, ये हाइड्रोजन निकला, फिर ये हाइड्रोजन अगले बार में जो निकलेगा, एक बार दिखाते हैं यहाँ पे, फिर से प्लस रहने देते हैं, अभी इस चीज को यहाँ पे समझाते हैं। ये हाइड्रोजन अब क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, एच प्लस के रूप में निकलेगा, अब ये एच प्लस क्या करेगा, फिर से देखेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके साथ इस वेलम घुस जाएगा, अब यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे जैसे जुड़ेगा तो ये क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस आ जाएगा। अगले स्टेप में बताते हैं, सी एच थ्री सी एन एन आगे क्या बनेगा बताओ, हाइड्रोजन में जुट रहा है हाइड्रोजन एन एच थ्री, जैसे बनेगा इस पर आ गया प्लस, फिर से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही प्लस आएगा नाइट्रोजन क्या करेगा इसे तोड़ दिया, क्योंकि अमोनिया अमोनिया गैस है, गैस के रूप में फ्री होना चाहेगा, क्योंकि गैस सबसे ज्यादा फ्री होता है मूव करने के लिए, तो ये फ्री होना चाहेगा, इससे आसानी से ये बॉन्ड कार्बन से तोड़ लेगा और गैस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो जुड़ रखा था, अब तो ऑक्सीजन दे नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, दो से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसको जितना देने का क्षमता होगा उतने नहीं देगा। तो अब क्या करेगा, क्योंकि बीकर में बहुत सारा वाटर है तो और वाटर को अपने साथ लाएगा, यानी कि एक वाटर को और अपने साथ ले आया, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी लोन पेयर है, लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, कार्बन भी संतुष्ट हो गया, क्या हो जाएगा यहां पे, ये सी एस थ्री इधर, ये तो अमोनिया बाहर निकल गया एन एस थ्री के रूप में, अमोनिया बाहर निकल गया, ऑक्सीजन को दिखा देते डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां से कौन जुड़ गया OH, अब जैसे इस पर प्लस आ जाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, जैसी ऑक्सीजन इस पर प्लस आ जाएगा, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर निकल जाएगा एच प्लस के रूप में, एच प्लस के रूप में आया था, एच प्लस के रूप में बाहर निकल गया, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, सी एच थ्री सी डबल ओ, अब बचेगा क्या OH, OH, अब बाहर क्या निकला था एन एच थ्री, एच प्लस के रूप में जैसे आया वैसे निकल गया कैटलिस्ट के रूप में, ये आपका क्या है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस चीज को अच्छे से समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा रिवर्स करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रिपरेशन देखते हैं, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। लास्ट देखते हैं, आपके सामने लिखते हैं,
अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कार्बोक्सिलिक बनाने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम दो चीज बताए थे, क्या कि मैग्नीशियम पर प्लस होता है, एल्काइल पर माइनस होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक ऐसा यौगिक है जिसके ऊपर अल्काइल ग्रुप पर माइनस होता है और मैग्नीशियम पर प्लस होता है। यही एक ऐसा यौगिक है जिसके अल्काइल ग्रुप पर माइनस होता है। अगर आपसे पूछे जाए कि किस ग्रुप किस एजेंट पर माइनस होता है तो क्या बताओगे, वो ग्रिग्नार्ड में जाएगा। ग्रिग्नार्ड में बताए थे, दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि जब भी टूटेगा तो अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच वाला बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, अब इस पर क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, इस पर क्या होगा, माइनस रहेगा। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा देते हैं, CO2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब देखो ये क्या है, एक एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है CO2, वो एक एसिड कहलाता है। तो ये एक तरह का एसिड ही है, ठीक है, लुईस एसिड है। तो ये जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा नाभिक की तरह। अब नाभिक किस पे आक्रमण करे, देखिए किस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे नहीं करेगा। तो जैसे ये इस पर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बन से जैसे ये जुड़ा अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन से जैसे ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जो भी रहेगा वो जैसे इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये एक बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऐसे दिखाते हैं, इस ऑक्सीजन पर क्या गया था, माइनस। अब ध्यान दो, यहाँ पे माइनस था, इस पर प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर के एक तो बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस पर माइनस है, अब इस मैग्नीशियम पर क्या है, पूरे पे प्लस है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा, Mg एक्सिस पर आ जाएगा प्लस। अब इसके आगे बहुत ही आसान है करना, इसका सिर्फ आप जल से अभिक्रिया करा दो, जरूरी नहीं है एसिड से कराओ, सिर्फ जल से कराओगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि जल में H प्लस और OH माइनस दोनों होता है। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा H प्लस, इसको दे देगा OH माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, R C2O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दे देगा H प्लस, कार्बोक्सिलिक बन गया। और मैग्नीशियम को क्या देगा, मैग्नीशियम के साथ X जुड़ रखा था, इधर OH दे देगा, इसके साथ ये भी जुड़ गया, तो बना क्या, कार्बो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लेक्चर को शॉर्ट रखने का। इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक का सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग अमीन को जल्दी से ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगा, फिर जब वन मंथ बचेगा तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उनको करवा देंगे। तो रखिए बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।